कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम फर्स्ट टाइम आए इधर, फर्स्ट बार आए तेलंगाना से। इनके बारे में बहुत तो सुने होंगे, और बहुत सुने हैं आज उनके लगता दर्शन। हमारे एरिया से बहुत आदमी आते हैं, तो हम भी आप एक बार जाके आएंगे बोल के आते हैं। ठीक है जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो अनुभव है वो कैसा है? अनुभव यहाँ का बड़ा अतुलनीय है, और यहाँ दर्शन हो के मेरे वो भाग्य हैं कि मैं यहाँ दर्शन के लिए आया। मैं जैसा मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना था वैसे ही पाया। यहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं। जैसा कि हमने सुना था, मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ अथौड़ी तहसील से आया हूँ, और मैं धन्य हो गया हूँ बाबा के दर्शन करके। मैं शाम को भी दर्शन किए, अब मैं पुनः आया हूँ दर्शन करने के लिए, जिससे कि भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसको भी सौभाग्य मिले वो भगवान के जगन्नाथ, कलयुग के देवता हैं ये। मैं अलीगढ़ से आया हूँ, यूपी अलीगढ़, उसमें अथौड़ी तहसील है, जिसके कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मेरा वो क्षेत्र है। अच्छा बताइए, ऐसा कुछ अनुभव है, अनुभूति है जो आप साक्षात फील किए हो, साक्षात मतलब मनोहिमान दर्शन किए हो महाप्रभु के, या कुछ उसके बारे में अनुभव किए? इतना मैं कह सकता हूँ, मुझमें जगन्नाथ भगवान की इतनी कृपा हुई है कि कल शाम को मैं बैठा था, मेरा कोई दर्शन का वो नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान की इच्छा थी कि मुझे दर्शन के लिए बुलाया उन्होंने। और मैं जब ध्वजारोहण हो रहा था तो मैं वहाँ बैठा था, हजारों की पब्लिक थी, लेकिन भगवान का जो भगवा वो जो ध्वज है जो शिखर पर चढ़ता है वो आके मेरी गोदी में गिरा। वहाँ हजारों की पब्लिक थी, सब लोग देख के दंग रहे, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, असीम कृपा हुई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं अपने इस जीवन को, अपने जीवन को भुला नहीं सकता कि मुझे इतना सुअवसर मिला है कि जो ध्वज पताका किसी को नसीब नहीं होती वो मुझे नसीब हुई है। मेरा दर्शन, मेरा आना बिल्कुल सफल हो गया। बस ये कहना चाहता हूँ कि भगवान जैसे मुझ पर कृपा की है, ऐसे ही सभी पर कृपा करें।